हेलो डियर चिल्ड्रंस, आज हम हिंदी पढ़ेंगे ओके। और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे कहानी, जिसे हमें चित्र देखकर कहानी को समझना है ओके। सो सुने कहानी, जब बंदर ने पकड़ी गेंद। कहानी का क्या नाम है? जब बंदर ने पकड़ी गेंद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बॉल्स गेंद से खेल रहे हैं। गेंद मीन्स बॉल। तो यहाँ पर सारे बच्चे ये बॉल से खेल रहे हैं, गेंद से। तो क्या होता है, जब बच्चे गेंद से खेल रहे होते हैं तो गेंद जो होती है वो बंदर पकड़ लेता है। और वो बंदर क्या करता है, मतलब गेंद उछक कर कहाँ चली जाती है, बंदर के पास चली जाती है। तो बंदर उनको देता नहीं है वो बॉल। तो बच्चे एक उपाय सोचते हैं कि हम बंदर से बॉल कैसे लें। तो बच्चे क्या करते हैं कि हम बंदर को केला देकर गेंद वापस ले लेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, केले लेकर आते हैं। केला, बनाना मीन्स केला ओके। तो बच्चे केला लेकर आते हैं और वो बंदर को दे देते हैं केला, और बंदर फिर उनकी बॉल दे देता है बच्चों को, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर चित्र में देखो, ये लोग गेंद से खेल रहे हैं। फिर क्या होता है, गेंद से खेलते वक्त गेंद उछक कर बंदर के पास चली जाती है। फिर बंदर उन्हें गेंद वापस नहीं देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें केला, बंदर को केला ला कर देते हैं। तो जब बंदर केला ले लेता है और उनको बॉल वापस दे देता है। नाउ अब देखिए, खेल के मैदान से, ठीक है। अब खेल के, ये खेल का मैदान है जहाँ पर बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, देखिए है ना। तो यहाँ खेल के मैदान पे क्या हो रहा है, ये बच्चे रस्सी कूद रहे हैं और कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे रेलगाड़ी बनाकर खेल रहे हैं। तो बच्चों अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, और या ये किस जगह का चित्र है। तो उत्तर इसका ये होगा, ये मैदान का चित्र है। ये कौन सा चित्र है, ये एक खेल के मैदान का चित्र है जहाँ बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, और खेलों का नाम है बैट बल्ला, पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना और गेंद से खेलना। चलो बच्चों, अब हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, आ आ ई ई उ उ री ए ए ओ आओ अंग अह। अब व्यंजन पढ़ेंगे, क ख ग घ ड च छ ज झा इया ट ठ ड ढ न। इसको बोलते हैं अड़ा और इसको बोलते हैं ढ। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श्र त्र ग्या, और ये श्र से श्रमक। अब दोहराए बच्चों, मधुमक्खियों में लिखे वर्णों को छत्ते से बने उचित चित्र से मिलाएं। यहाँ देखिए, ये मधुमक्खियां बनी है, इन्होंने कुछ स्वर पकड़े, इनके पास कुछ स्वर है, और यहाँ पर इनके जो छत्ते हैं उनमें स्वर के चित्र बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन मधुमक्खियों के स्वर को उनके चित्रों से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये कौन सा छत्ता है, अ से अनार। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ अ से अनार कहाँ बना हुआ है, ये रहा अ से अनार। तो इसको हम अ से अनार को इस अनार के चित्र से मिला देंगे। अब दूसरा देखिए, अंग से अंगूर,
अंग से अंगूर कहाँ बना हुआ है, कौन सी मधुमक्खी के पास है? इस मधुमक्खी के पास अंग से अंगूर है, तो हम इसे अंग से अंगूर यहाँ मिला देंगे। अब देखिए आ से आम, आम कौन सी मधुमक्खी के पास है? इस मधुमक्खी के पास अ से आम है, सो हमें यहाँ से इस आम पर मिला देंगे। और शिट, अब दूसरा चित्र देखिए, ऊ से ऊन ये है, इसको हम यहाँ से यहाँ छत्ते पे मिला देंगे। अब ये देखिए ई से ईक की मधुमक्खी ये है, इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये है री से ऋषि जी का घर है ये, तो ऋषि कहाँ है? ये है ऋषि, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब ई से इत्र कहाँ है? ई से इत्र, ई ये रही ई, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब देखिए ऐसे ऐनक, ऐनक कहाँ है बच्चों? ऐसे ऐनक ये रहा ऐनक। औसे औरत, औरत औसे औरत कहाँ बनी हुई है? ये रही औसे औरत। लिख कर याद करें, नीचे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों के सभी वर्ण लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ वर्ण गायब है, रिक्त स्थान में उस व्यंजन वर्ण को लिखें। पहला क ख ग घ ड च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण ञ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह छ त्र ग्य और य छ्र। यहाँ आपको भरना है ये और इन्हें याद भी करना है। ये सारे व्यंजन हैं, छ्र से समक तक आपको इन्हें याद करके यहाँ पर खाली स्थानों पर भरना है।